हेलो दोस्तों, ये माँ गंगा का उद्गम स्थल, माँ गंगा का यहाँ से उद्गम स्थल वो है। यहीं से ही माँ गंगा जो है बनकर चलती है और करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार करती है। और यहीं से जब चलती है तो यहीं से ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए पूरे ऑल इंडिया ओवर चक्कर काट कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, बहुत ही मुश्किल था यहाँ पर आना, मगर माँ गंगा और भगवान केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सबकी कृपा से, आप और आप सब दोस्तों की कृपा से आज माँ गंगा के उद्गम स्थल गोमुख में आना हुआ और दर्शन किए। आप देखिए दोस्तों, ये माँ गंगा का उद्गम। और दोस्तों, ये पूरी बर्फ़ की पहाड़ी है, ये पिंगल पिंगल कर यहीं से नीचे को गिरती रहती है और यहीं से बर्फ़ का पानी बनता रहता है और यहीं से माँ गंगा का नाम दिया जाता है। जय माँ गंगे। दोस्तों, बहुत ही कठिन की चढ़ाई थी ये बर्फ़ के पहाड़। मई जून में शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ से हम लोग आए हैं, लगभग हम लोग आए हैं 500 किलोमीटर, शायद 500 किलोमीटर से भी ऊपर से आए हैं। वहाँ पर कूलर, पंखे, एसी चल रहे हैं, मगर जहाँ तक यहाँ नेट का चल नहीं रहा, ना ही यहाँ कोई टेम्परेचर शो नहीं हो रहा कि माइनस में है या प्लस में है, मगर मेरा जहाँ तक आइडिया है माइनस में ही टेम्परेचर होगा। माँ गंगा, जय माँ गंगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गोमुख माँ गंगा का उद्गम स्थल। यही है लास्ट बस, ये गोमुख है यहाँ पे। ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर ही पिघलकर जो है तपोवन का। कौन सा रास्ता भाई तपोवन का? हेलो, तपोवन का, तपोवन का रास्ता कौन सा है? अच्छा, कितने किलोमीटर है यहाँ से? 4 किलोमीटर। यह भाई लोगों, दोस्तों, ये गोमुख है, यहीं से ही माँ गंगा का उद्गम स्थल हुआ है। और ये बर्फीली चट्टान है, ये सब बर्फ इससे ढकी हुई चट्टानें हैं। और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा। बारिश का भी मौसम लगभग हो गया, यहाँ से निकलने में ही फायदा है, क्योंकि सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी दोस्तों अगर बारिश आ गई तो। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।